गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ गायत्री, आपका मेरे चैनल प्रीटी डायरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा अमेजिंग रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ कि जिस जिसको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो गई है, फाइन लाइंस हो चुका है, रिंकल्स हो चुके हैं, वो ये रेमेडी से दूर होगा। आजकल हमें एजिंग जो आती है बहुत ही जल्दी आने लगती है। मैं आजकल देखती हूँ कि 20 से 25 साल की उम्र या 25 से ऊपर की उम्र के लोगों को फाइन लाइंस आने लगते हैं, रिंकल्स होने लगते हैं, क्रो लाइंस आने लगते हैं। तो ये सब के रीजंस पहले हम जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न है कि हम लोग खान पान में ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो खाना पीना है बहुत ही जंक फूड वाला होता है, बहुत ही हम गंदा मतलब कि जंक फूड खा लेते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं जो हमारी बॉडी इंटरनल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती तो उसका कन्वर्ट होकर हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे दिखने लगता है। जो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो या एक्ने की प्रॉब्लम हो, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है। दूसरा रीज़न है कि हम बहुत टेंशन ले लेते हैं। टेंशन लेने के कारण भी हमें एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें फाइन लाइंस आ सकते हैं। देखो, स्ट्रेस लेते हैं तो यहाँ पे हमें जल्दी से लाइंस आ जाते हैं। आप देखो, कभी भी कोई भी बहुत टेंशन लेता होगा तो उसके यहाँ पे बहुत लाइंस आते होंगे या फिर यहाँ पे आते होंगे, क्योंकि ये जो बॉडी में स्ट्रेस लेना, ये हमारे चेहरे पे भी दिखने लगता है, हमारी बॉडी में भी दिखने लगता है। तो स्ट्रेस लेने से भी आपको एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रीज़न है कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो, स्किन बहुत ड्राई होने की वजह से भी हमें एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइन लाइंस आ सकते हैं, क्योंकि स्किन में इतनी ड्राइनेस होती है कि उसको हम अगर हाइड्रेट नहीं करते हैं, अच्छे से क्रीम नहीं लगाते, मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, फिर भी हमें रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ रीज़न है कि हम लोग बाहर अगर जाते हैं तो सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सनस्क्रीन लगाया कीजिए, क्योंकि अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट सन का जो एक्सपोज में हमारी स्किन आती है तो हमें वो स्किन जलने लगती है, स्किन डैमेज होती है, उसके कारण हमारी स्किन में रिंकल्स या फाइन लाइंस आने चालू हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ रीज़न है कि विटामिन्स की कमी, या फिर आप पानी कम पीते हो तो इसकी वजह से भी आपको रिंकल्स या फाइन लाइंस हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे तो, लेकिन देखा जाए तो, लेकिन आपको सारे रीजंस फाइंड आउट भी करने पड़ेंगे। अगर आप फाइंड आउट नहीं करते हो तो आप अपना डाइट अच्छे से रखिए, सप्लीमेंट्स लीजिए अच्छे से, आप अपने बॉडी को क्लीन रखिए ताकि वो जो भी उसका रिवर्ट है वो स्किन पे अच्छा आए। ताकि क्या होता है, हम पेट अच्छा रखेंगे, बॉडी अच्छी रखेंगे, क्लीन रखेंगे तो ही हमारी स्किन ऊपर से अच्छी दिखेगी। बाहर से कुछ भी लगा लो लेकिन इंटरनली आप कुछ नहीं करते हो तो देखो, हम अपनी एजिंग तो नहीं रोक सकते हैं, स्वाभाविक है, हमारी एज तो होने ही वाली है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको हम टाल नहीं सकते हैं, वो तो कुदरत का नियम है, सबकी एज होती ही होती है, इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। बट हम लोग जो हमारे स्किन पे रिंकल्स आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं या फिर हमें फाइन लाइंस आ चुके हैं, उसको हम रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ मैं अमेजिंग रेमेडी आपके साथ, आज मैं ऐसी ही कुछ अमेजिंग क्रीम आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी फाइन लाइंस से, रिंकल्स से या फिर आपको जो भी ड्राइनेस है वो सारी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन हाइड्रेट बन जाएगी, आपकी स्किन में जो भी क्रो लाइंस भी आ चुकी होगी वो भी दूर होगा और फाइन लाइंस भी आपकी अच्छे से दूर हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी पूरी। तो आइए जानते हैं वो क्रीम कैसे बनाना है घर पे ही और कितना आसान तरीके से बन जाता है, वो भी आप देख लीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल आइकन बटन पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे बेल आइकन बटन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जो जो वीडियो लाऊँ हेल्थ केयर, स्किन केयर या फिर हेल्थ केयर की, वो सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए आइए जानते हैं ये क्रीम कैसे बनाना है। ये क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गुलाब। यहाँ पे मैंने करीबन मतलब थोड़े से गुलाब लिए हुए हैं, 10 से 15 ग्राम गुलाब होंगे। तो आप यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ ही लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पतीला लेना है, उसमें एक गिलास पानी डाल देना है। एक गिलास पानी डालने के बाद थोड़ा सा हमें उबाल आने देना है, लाइट थोड़ा सा गर्म पानी हो जाए उतना। उसके बाद ये जो पत्तियाँ हैं वो हम डाल देंगे, पूरी गुलाब की पत्तियाँ हम डाल देंगे। लेकिन गुलाब की पत्तियाँ आप ध्यान में रखिए, पहले धो लेना है क्योंकि उसमें कीड़े ना हो या फिर गंदा ना हो, तो उसके पहले आपको धो लेना है, उसके बाद ही आपको इसमें डालना है। तो ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं मैं यहाँ पे डाल दूँगी।
गुलाब की पत्तियाँ जो है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे स्किन में जो भी रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइन्स आ चुके हैं, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। गुलाब जो है वो हमारे स्किन को ग्लो लाने का भी काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन में जो भी पिगमेंटेशन की इवन प्रॉब्लम होगी वो भी दूर करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ ली। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना। मेथी दाना एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि मेथी में वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे फाइन लाइंस को, हमारे जो भी बढ़ती उम्र में जो भी रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब कि 40 अप हो चुके हो या फिर आपकी एज बढ़ रही है, तो आप मेथी दाना यूज़ कीजिए। आप खा भी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स सारे दूर हो जाएंगे। ये 40 अप जो भी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर आप मेथी दाना यूज़ करते हो तो यहाँ पर मैं करीबन 1 से 2 चम्मच मेथी दाना डालूंगी। आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं जो जितनी क्वांटिटी बनानी है वो हिसाब से मैं यहाँ पे पोर्शन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना ले लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ जो है, मैंने पहले भी कोई रेमेडी बनाई है जिसमें मैंने सौंफ यूज़ किया हुआ है। सौंफ जो है हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारे स्किन में जो भी पिगमेंटेशन हो चुका है, डार्क स्पॉट हो चुका है एजिंग के कारण, या फिर हमारे स्किन में छोटे 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 दाने हो जाते हैं, उसको दूर करने का काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है। सौंफ जो है वो हमारे स्किन को ठंडक भी पहुँचाते हैं, सौंफ में ठंडक की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है। सौंफ जो है उसको आपको 2 चम्मच डालना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खसखस। खसखस है वो हमारे स्किन को हाइड्रेट रखेगा, हमारे स्किन में जो जो मतलब डिहाइड्रेट हो चुका है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करता है, हमारे स्किन में जो भी ड्राइनेस आ चुकी होती है उसको सूदिंग का काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे खसखस लिया हुआ है। तो खसखस मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच लूँगी। इसको अच्छे से आपको उबाल लेना है। ये सारे जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हुई है उसकी सारे अच्छी गुण ये पानी में उतर आएंगे, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे उबाल लूँगी। 1/2 पानी होता है तब तक मैं इसको उबालूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड जो है हमारे एजिंग को रोक लेता है, हमारे फाइन लाइन्स को दूर करता है, हमारे स्किन में जो भी कॉलेजन है उसको बूस्ट करने का काम करता है। क्योंकि हमारी जो बढ़ती उम्र होती है तब हमारे जो कॉलेजन है वो लूज़ होता जाता है, वो हमारी स्किन ढीली होती जाती है, हमारे स्किन में पकड़ नहीं होती है, इसके कारण भी हमें फाइन लाइन्स हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं। तो ये जो फ्लैक्सीड्स है वो कॉलेजन बूस्ट करेगा, हमारी स्किन को टाइट करेगा, हमारे स्किन को यूथफुल बनाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच फ्लैक्सीड्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो फ्लैक्सीड्स यूज़ करूँगी उसको अच्छे से उबाल लूँगी। ये जो फ्लैक्सीड्स है वो जेल में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक मैं इसको उबालती रहूँगी। तो करीबन ये मुझे 10 मिनट लगा है उबालते हुए, तो ये जेल में कन्वर्ट हुआ। आप देख सकते हो कितना अच्छे से जेल में कन्वर्ट हुआ है। बाद में इसको गरम गरम ही छान लूँगी। ये आपको गरम गरम ही छानना है, अगर आप ठंडा होके छानोगे तो ये अच्छे से जेल निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम छान लिया है। अभी ये जो जेल है वो निकल के आ गया है। अभी इसको, ये जो जेल है वो निकल के आ चुका है। अभी हम ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा हमें लिक्विड ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक मिक्सी जार लेंगे, ये लिक्विड को पूरा डाल देंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। करीबन 1-2 सेकंड आपको उसको घुमाना है और फिर ये ग्राइंड हो जाएगा। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा लिक्विड हो चुका है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बादाम ऑयल। बादाम ऑयल जो है वो हमारे स्किन के लिए, हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। वो एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे स्किन में जो भी फाइन लाइन्स है उसमें लड़ने का काम करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच है वो बादाम ऑयल लिया है। अगर आप चाहो तो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा आधे से भी 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हो। ड्राई स्किन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1/2 चम्मच यूज़ कर लीजिए। तो इसमें मैंने बादाम ऑयल डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। जो एलोवेरा जेल है इसमें मैं 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल डालूँगी। आप अपने हिसाब से, आपको कितना मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए वो हिसाब से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल डाला हुआ है।
उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल हमारी स्किन को खा जाता है क्योंकि हमारी स्किन को विटामिन ई बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहो तो रात को विटामिन ई का कैप्सूल है वो थोड़ा काट लीजिए, चेहरे पर लगा लीजिए, आपकी सुबह स्किन एकदम प्लम्प हो जाएगी, सपल हो जाएगी, आपकी स्किन में मतलब जो ड्राइनेस है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने विटामिन ई की कैप्सूल एक डाली हुई है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे बादाम ऑयल भी यूज़ किया हुआ है। तो ये सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये बन गया आपका एंटी एजिंग क्रीम। जी हाँ, जो बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, मैंने देखा है 500 से 1000 2000 3000 तक के भी एंटी एजिंग क्रीम मैंने देखी हुई है ऑनलाइन, तो बहुत ही महंगी महंगी क्रीम मिलती हैं। अगर आप ये क्रीम चाहो तो 20 रुपये में भी बना सकते हो। आपने देखा घर के इंग्रीडियंट से ही बना हुआ है, जो गुलाब है 10-20 रुपये का लेके आइए, घर पे उगता है तो वो तोड़ लीजिए, आप ऐसे करके ये क्रीम बना सकते हो। ये जो क्रीम है वो आपको दो टाइम यूज़ करना है, सुबह आप फेस वॉश करते हो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, और रात को सोते टाइम फेस वॉश करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये जो क्रीम है आपको 7-7 दिनों के बैच में आप बनाइए ताकि उसकी जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और आपकी स्किन को बेनिफिट मिलता रहे उसका। तो ये जो क्रीम है मैंने 7 दिनों के लिए ही बनाया हुआ है ताकि मैं 7 दिन के बाद और बैच बना सकती हूँ। अगर आप ये क्रीम को बाहर रखना चाहते हो तो आपको इसमें एसेंशियल जो ऑयल होता है वो ऐड कर सकते हो, कम से कम 1-2 ड्रॉप ऐड कर सकते हो। कोई भी एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे टी ट्री वाला हो गया, रोजमेरी हो गया, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो रेफ्रिजरेट कर दीजिए इसको, और सुबह उठ के आप इसको लगा सकते हो, रात को सोते टाइम लगा सकते हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल आइकन बटन पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, बाजू में जो बेल आइकन बटन है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए ताकि मैं जो जो वीडियो डालूँ हेल्थ केयर, स्किन केयर या हेयर केयर की, उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको पहले आए। थैंक यू।